फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 Lite एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आपका क्विक पैनल ओपन होता है। इसमें आपको लेफ्ट स्लाइड करना है तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्क्रीन का। रिकॉर्ड स्क्रीन का ये जो ऑप्शन है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है तो आपका ये पेज आएगा, ठीक है। इस पेज में आपको स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे टैप करने से पहले यहाँ पे आपको रिकॉर्ड साउंड का ये ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, इसमें आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिस्टम ऑडियो। इसके सामने अगर सर्कल पे आप टिक मार्क लगाते हैं तो इससे क्या होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो भी आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज आएगी वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन ऑडियो। इसके सामने अगर आप टिक मार्क लगाते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो भी कुछ आप बोलेंगे ना, वो बोला हुआ शब्द आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड। इसके सामने अगर सर्कल पर टिक मार्क लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो कुछ भी आप बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा और जो आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज आएगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नोन। नोन के सामने सर्कल पे टिक मार्क लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके फोन में सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी लेकिन कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये माइक्रोफोन ऑडियो पे टिक मार्क लगा रहने देता हूं क्योंकि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय बोलना होता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको इसके बाद आपको नीचे ये स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यहां पे छोटा सा पेज आता है, देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब यहां पे आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और देखिए, आपको जो है ना कभी थोड़ा ब्रेक लेना, थोड़ा रुकना है तो आपको ये बटन जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टैप करना है। इसमें दो लाइन का जो ऑप्शन है इसे टैप करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इसके बाद अगर आपको दोबारा से अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा वहीं से कंटिन्यू करनी है तो आपको बटन टैप करके ट्राइंगल शेप का प्ले बटन आपको टैप करना है तो आपकी देखिए रिकॉर्डिंग वहीं से कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको रिकॉर्डिंग खत्म करनी है तो आपको ये बटन टैप करके ये रेड कलर का डॉट वाला बटन टैप करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपकी जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो आपकी फोन की गैलरी में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।